राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक अदालत ने 2007 में मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट मामले के स्वामी असीमानंद सहित 5 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। 18 मई 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे जबकि 58 लोग घायल हुए थे। बाद में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में भी कुछ लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि एनआईए मामले की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने केस की सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में 10 आरोपियों में से 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें नभक उमर सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद का नाम भी शामिल था। जिन 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई थी उसमें से स्वामी असीमानंद और भारत मोहन लाल रत्नेश्वर उर्फ भरत भाई जमानत पर बाहर थे और 3 लोग जेल में बंद थे। 2007 में हुए इस ब्लास्ट की शुरुआती छानबीन पुलिस द्वारा की गई, फिर यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में 2011 में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया। इस मामले में कुल 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें से 54 गवाह मुकर चुके थे। मस्जिद ब्लास्ट मामले के 2 और मुख्य आरोपी संदीप वी डांगे और रामचंद्र कलसंग्रा अभी भी फरार चल रहे हैं।